अभी यहाँ पे मैं एक डिवाइस यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे TEE ब्रोकन देखने को मिला। अगर ये एक बार आपके फ़ोन के अंदर आ जाता है, ब्रोकन हो जाता है, तो आप कितना भी रोम डाल लो, कुछ भी कर लो, आपका डिवाइस सर्टिफाइड नहीं होने वाला। चाहे आप स्टॉक डाल लो, बूटलोडर को लॉक कर लो, अनलॉक कर लो, या कोई ऐसा रोम डाल लो, या फिर मेथड फॉलो कर लो सेफ्टी नेट वाला, ये पास नहीं होता। लेकिन आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इसे रिपेयर कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, उसके बाद कुछ भी आप करोगे तो आपका जो सेफ्टी नेट पास हो जाएगा। अभी जो मैं रोम यूज कर रहा हूँ, ये एक मिंट एडिशन है मेरे मी 11X डिवाइस के अंदर, और इसका ऑफिशियली जो बाय डिफॉल्ट पास है हमारा सेफ्टी नेट, बट मैं यहाँ पे अभी ये रोम डाल रखा हूँ, मेरे डिवाइस का ब्रोकन है जिसकी वजह से ये फेल शो कर रहा है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा, और एक कंप्लीट डिटेल मैंने ऑलरेडी दे दिया है रेडमी के नोट 10 प्रो मैक्स वाले डिवाइस के ऊपर, कि कैसे हम है जो इंजीनियरिंग रोम का यूज करते हुए TEE को फिक्स कर सकते हैं। तो ये थोड़ा शॉर्ट में होगा, थोड़े डिफरेंट तरीके से होगा, तो अच्छे से देखना, समझना और फॉलो करना। और कुछ भी चीज़ें करते हो तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही कर रहे हो या क्या, तो इसका रिस्पॉन्सिबल आप ही रहोगे। मैं बस आपको गाइड कर रहा हूँ इस वीडियो में कैसे क्या करना है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, पूरा प्रोसेस करने से पहले अपने फ़ोन को चार्ज कर लेना और डेटा वगैरह बैकअप कर लेना, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी डिलीट हो सकती है। रही बात कि ये पता कैसे चलेगा, तो एक मोमो नाम का एप्लीकेशन आता है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसे डाल के आप चेक कर लेना कि आपका ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका जो डिवाइस सर्टिफाइड हो जा रहा है, कोई भी एक यहाँ पे सर्टिफाइड हो रहा है, यानी आपका जो TEE ब्रोकन नहीं है, बट यहाँ पे आप कुछ भी कर रहे हो, सारी चीज़ों का बाकी अदर लोगों का फिक्स हो रहा है लेकिन आपका फिक्स नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आपका ये ब्रोकन है, तो ये चेक जरूर कर लेना। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मेरा फोन फास्टर मोड में आ गया है, इसे ऑन करने के लिए पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को प्रेस कर लेना, उसके बाद ये आ जाएगा। अब पीसी से मैं कनेक्ट करूंगा, हमेशा आपको वर्किंग डेटा केबल ही यूज करना है। अब कुछ फाइलों की रिक्वायरमेंट होगी, पहला आपका है जो फैक्ट्री वाला रोम जिसे हम इंजीनियरिंग रोम भी कहते हैं, दूसरा एक प्लेटफॉर्म टूल, और तीसरा एक मी फ्लैश टूल ताकि आप स्टॉक रोम फ्लैश कर पाओ, और एक आपको की बॉक्स की जरूरत पड़ेगी जो कि अनबैन होना चाहिए और वर्किंग होना चाहिए। ये आपको जो इंटरनेट से मिल जाएगा, कई जगहों पर सेल भी होता है, लेकिन बाय करने से पहले आप कंफर्म कर लेना कि जिसे आप बाय कर रहे हो वो आपके साथ स्कैम तो नहीं ना कर रहा। अभी मैं जो की बॉक्स यूज कर रहा हूँ ये सभी क्वालकॉम डिवाइस पर काम करता है, और ये अभी अनबैन है, बैन नहीं हुआ, तो मैं ये आपको दे दूंगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर बैन हो जाता है तो आपको खुद से फाइन करना पड़ेगा, बाय वगैरह करना पड़ेगा, तो आप अपना देख लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको जो इंजीनियरिंग रोम है उसे आपको अनजिप कर लेना है सी ड्राइव में, जो भी काम करेंगे वो सब सी ड्राइव में करेंगे, किसी और फोल्डर में नहीं करेंगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अनजिप कर लिया है मेरे डिवाइस का फैक्ट्री वाला रोम, ठीक है। अब क्या करना है, इसे ओपन करना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई देगी। अब यहाँ पे जो ऊपर का बार है, दिस पीसी लोकल डिस्क वगैरह, इस पर क्लिक करना है, इसे आपको जो कॉपी कर लेना है, जो मी फ्लैश टूल है उसे आप अनजिप करके ओपन कर लेना, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप अपने फ़ोन को फास्ट बूट फ्लैश करते हो, सेम उसी तरीके से। अब यहाँ पे बार आएगा, इस पर हम सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। आ गया, ड्राइवर का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, तब ड्राइवर अपडेट कर लेना, क्योंकि ड्राइवर आपके पीसी में नहीं रहेगा तो दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे हमेशा क्लीन ऑल का यूज करना है, लॉक का यूज नहीं करना, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे, और ध्यान रखना कि आपके पीसी से एक ही डिवाइस कनेक्टेड हो, कई सारे कनेक्टेड रहेंगे तो फ्लैशिंग के टाइम दिक्कत करेगा। अब इस फ्लैश पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वेट करना है। तो यहाँ पे भाई फ्लैश हो गया है और यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑन होने लग गया है, एंड्रॉयड का लोगो आ चुका है, विद इन 300 सेकेंड ही ये कंप्लीट हो गया है। अगर आप कोई लेटेस्ट के अलावा कोई डिफरेंट टूल यूज कर रहे हो तो मे भी यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा सक्सेस की जगह, लेकिन आपका फ़ोन यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो मैं ऐसे जो मी फ्लैश टूल यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको दे दूंगा, आप इसका यूज कर सकते हो, या आप जो यूज करते हो रेगुलर वो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो फ़ोन ऑन हो चुका। कई बार क्या होता है ना कि आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है या ऑन होने में दिक्कत करता है, तो आप फैक्ट्री वाला जो रोम है वो कहीं और सर्वर से डाउनलोड करके फिर से ट्राई कर लेना, और अगर आपका टच काम नहीं करता है तो आप माउस वगैरह यूज कर सकते हो टच नहीं काम करने पे, क्योंकि ऐसा होता है। मैंने नोट 10 प्रो के अंदर फिक्स किया था तो वहां पे दिक्कत आई थी, तो मैंने माउस का ही यूज किया था। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अपने जो डिवाइस का है जो डेवलपर सेटिंग ऑन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम पे आएंगे, ये मे भी आपको चाइना में भी देखने को मिल सकता है, तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए गाइड समझ लो, इस आई बटन पे क्लिक कर लेना है अगर आपका लैंग्वेज चेंज है तो। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल का आइकन पे क्लिक कर लेना है, अनदर यहाँ पे जो ए है ना लैंग्वेज का आइकन, इस पे क्लिक कर लेना है और प्लस के ऊपर टाइप कर लेना, और जो भी आपको यहाँ पे चाहिए वो आप इस तरीके से ऐड करो, और ऐड करने के बाद इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, आपके फोन का जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे लैंग्वेज चेंज करना है, तो बस ये गाइड फॉलो कर लेना अगर लैंग्वेज डिफरेंट नजर आता है तो। इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अबाउट फोन पे आ जाना है, यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर दिखाई देगा, 6 से 7 टाइम आपको इस तरीके से टैप कर देना है। जैसे ये टैप होता है आपका डेवलपर सेटिंग ऑन हो जाएगा, आपको सिस्टम पे आना है, एडवांस पे जाना है, डेवलपर सेटिंग को ऑन करना है, और यहाँ पे दिखाई देगा USB डीबगिंग, इसे आपको ऑन कर लेना, क्योंकि ये आपका नहीं ऑन होगा तो काम नहीं करेगा। ऑन हो जाने के बाद आपको PC से कनेक्टेड रखना है, और अब कुछ चीज़ें आपको PC के ऊपर फॉलो करनी है।
अब इस टूल को हम यहाँ पे डायरेक्ट कट कर देंगे और वापस जो हमारा फोल्डर था उसके ऊपर हम स्विच करेंगे। जैसे कि ये रहा, अब प्लेटफॉर्म टूल को हम अनजिप करेंगे, सी ड्राइव के अंदर ही, कहीं और नहीं अनजिप करना है, तो मैं यहाँ पे अनजिप कर देता हूँ, हो गया। अब ये जो एस डब्ल्यू की बॉक्स वाला फाइल है, अगर आपका जिप फॉर्मेट में रहता है तो अनजिप करके उसे रीनेम कर लेना एस डब्ल्यू के नाम से, कोई और नाम नहीं होना चाहिए। इसे कॉपी कर लेना, सी ड्राइव में आ जाना। अब जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल आपने डाला है इसे ओपन करना और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। अब ऊपर का जो दिस पीसी वाला बार है इस पर क्लिक करके सीएमडी को ओपन कर लेना। यहाँ पे इस तरीके से कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। अब कुछ कमांड आपको रन करना है, ये कमांड भी यूनिवर्सल है, सभी क्वालकॉम पे काम करता है हमारा कीबोर्ड, तो इस कमांड को आपको वन बाई वन यूज करना है। तो पहला कमांड होगा आपका एडीबी रूट, इसे यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इंटर पे क्लिक कर देंगे। कुछ ही सेकंड में कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस शो कर देगा। अगर यहाँ पे प्रोसेस नहीं आ रहा है, यानी आपके पीसी में ड्राइवर की कमी है, तो आप ड्राइवर वगैरह अपडेट कर लेना, यहाँ पे ये लिखा हुआ आना जरूरी है। उसके बाद सेकंड कमांड को यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, इंटर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा और ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ एरर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ यहाँ पे सब कुछ सही आपको देखने को मिलता है। अब थर्ड कमांड है हमारा एडीबी रिबूट, इससे आपका डिवाइस एक बार जो रिबूट हो जाएगा। देख सकते हो फोन हमारा फिर से ऑन हो रहा है, अब यहाँ पे ऑन हो चुका है। ऑन हो जाने के बाद अब आपको आगे का कमांड फॉलो करना है। तो हमारा नेक्स्ट कमांड है ये वाला, तो पूरा अच्छे तरीके से कॉपी करना है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इंटर पे क्लिक करेंगे, ये कुछ रिस्पांस नहीं देता लेकिन आपको करना है। उसके बाद अनदर जो कमांड है इसे भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट करके इंटर पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो आपका इस डब्ल्यू वाला फाइल है ना, उसे ये पुश करेगा, फ्लैश कर देगा, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, ये आना जरूरी है, इसमें एरर नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये जो लास्ट फाइनल कमांड है ना, इसका यूज करना है, इसमें कोई भी एरर वगैरह नहीं आना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से कॉपी कर लेना और यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करके और इंटर पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा टी डन, ये जब तक नहीं आता जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ये जैसे ही आता है यानी आपका टी है जो फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपने फ़ोन के अंदर स्टॉक रोम फ्लैश करने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको है जो सेफ्टी नेट वगैरह जो पास हो जाएगा, टी जो एरर दे रहा था उसमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब हमारा यहाँ पे काम हो चुका है इस रोम का, इस इंजीनियरिंग रोम का, और कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल हम इसे स्विच ऑफ करके फास्टबूट मोड को ऑन कर लेंगे। तो मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन ताकि ये फास्टबूट पे शो कर दे, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसे कमांड को क्लोज कर दूंगा, इसे भी क्लोज कर दूंगा, अभी सभी की जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट अपने फ़ोन के अंदर स्टॉक रोम को फ्लैश करूंगा। तो स्टॉक रोम मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके अनजिप कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो। आपका जो भी रीजन का है उसका स्टॉक रोम डाउनलोड करो, सिलेक्ट करो और मी फ्लैश टूल पे आओ। जैसे कि फर्स्ट टाइम हमने रोम को फ्लैश किया था ना फैक्ट्री वाला, सेम उसी तरीके से अब इस बार हम अपने ऑफिशियल स्टॉक रोम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फ्लैश करेंगे। और हाँ, यहाँ पे आप क्लीन ऑल करना और लॉक करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा कि क्लीन ऑल ही यूज करो, बेटर रहेगा। अदर बूट और लॉक हो जाएगा तो दिक्कत आएगी आपको बाद में अगर अनलॉक करना चाहोगे तो, क्योंकि आजकल पॉलिसी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है Xiaomi के 2025 में। और ये जो टी ब्रोकन का इशू आने लग गया ना, ये 20 मैक्स के बाद आने लग गया है, गूगल ने अपनी पॉलिसी अपडेट की है उसके बाद से, पहले ऐसी दिक्कतें नहीं आती थी। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, फोन हमारा कनेक्ट हो चुका है, डिटेक्ट हो चुका है और अब फ्लैश कर देंगे। अब यहाँ पे फ्लैशिंग में जितना भी टाइम लगेगा हमें बस वेट करना है। ये तो काफ़ी सिंपल और इजी तरीके से सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन इसमें कई सारी दिक्कतें भी आ सकती है, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वहाँ पे बहुत कुछ ताम झाम मुझे करना पड़ा था इसे फिक्स करने के लिए, लेकिन वहीं पर हमारा जो ये मी लिनक्स डिवाइस है बस सब कुछ वन टाइम में हो गया। तो आपने अगर इस डिवाइस का वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, वहाँ पे कई सारी दिक्कतें थी तो वो देख लोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आती है तो उसे ठीक कैसे करना है। अभी के टाइम पे जो भी वर्किंग फाइल है जो मैंने यूज करी है वो मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम वगैरह पे, तो ताकि आप यूज कर पाओ। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग रोम ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके डिवाइस के लिए आपको अपना फाइंड करना है, अदरवाइज बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे कि हमारा कीबॉक्स हो गया, प्लेटफॉर्म टूल हो गया, मी फ्लैश टूल हो गया, ये सारे यूनिवर्सल होते हैं। और जो सीएमडी कमांड मैंने आपको शो किया, ये कमांड भी आपका यूनिवर्सल होता है। बस आपको अपने डिवाइस का सेलेक्ट करना है जो कि इंजीनियरिंग रोम जो कि सपोर्टेड होना चाहिए, उसके बाद बाकी जो मैंने दिया है उसका यूज कर सकते हो। और कीबॉक्स अगर इन फ्यूचर ब्लॉक हो जाता है तो आपको फिर से नया कीबॉक्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप फाइंड कर लेना, बट अभी के टाइम पे वर्किंग है क्वालकॉम डिवाइसेज के अंदर। तो बस वेट करते हैं इसके ऑन होने का और बाकी चीज़ें मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फ्लैश कंप्लीट हो गया विद इन 500 सेकंड, ये टाइमिंग हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग होता है, और सक्सेस भी आ गया, फोन हमारा यहाँ पे ऑन हो रहा है। बस जरूरत है सेटअप करने की और बाकी चीज़ें चेक कराने की। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसके बाद कस्टम रोम डाल सकते हो, TWRP डाल सकते हो, GSI डाल सकते हो, और अपने डिवाइस का सर्टिफिकेशन अगर आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है किसी भी रोम में तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप रूट करके फिक्स वगैरह भी कर सकते हो। सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान रखना कि नेक्स्ट टाइम कभी भी आप अपने कस्टम रोम के ऊपर
कस्टम रिकवरी से प्रीसेस्ट इमेज वगैरह फ्लैश मत करना है, क्योंकि जब आप प्रीसेस्ट इमेज स्टॉक वाला फ्लैश करते हो रिकवरी से, तब जाके आपका जो TEE है वो ब्रोकन हो जाता है, उसके बाद फिर दिक्कतें आने लगती है सेफ्टी नेट से रिलेटेड। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना, और इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आती है इस प्रोसेस को फिर से फॉलो कर लेना और सारी चीज़ें फिक्स कर लेना। अभी फिलहाल मैं सेटअप करके रोम चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि डिवाइस अब हमारा सर्टिफाइड हो रहा है या नहीं। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्किप करते हैं। देख सकते हो कि मैंने सेटअप करके फिर से यहाँ पे कस्टम रोम डाल लिया, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था सेम वही रोम है जिस पे ऑफिशियली बताया गया था कि डिवाइस हमारा सर्टिफाइड वगैरह था। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो TE ब्रोकन था वो अब यहाँ पे हमारा शो नहीं कर रहा, यानी सक्सेसफुली हमारा फिक्स हो चुका है। और सेफ्टी नेट के अंदर जो सारे एरर आ रहे थे, आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखो ये दोनों अब पास हो चुके हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि रोम के साइड से फिक्स किया गया है। और अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग वाला फिक्स करना है तो आप रूट करके जो पैचेज वगैरह अवेलेबल है, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है कैसे फिक्स करना है, उसे फॉलो करके आप फिक्स कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने डिवाइस का TEE को फिक्स करके और सारे बेनिफिट यहाँ पे आप ले पाओगे। तो यहाँ पे ये फिक्स कर लेते हो ना, तो सब कुछ यहाँ पे आपको जो नॉर्मल देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो और इन फ्यूचर सारी चीज़ें बेनिफिट आप ले पाओगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया है पूरा प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे मिलते रहे इंटरेस्टिंग वीडियो इन फ्यूचर, और आप अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहो कस्टम रोम यूज करते हुए, मॉडिफिकेशन वगैरह करते हुए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।